एक तरफ भारत कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में है, वहीं एक और मुसीबत ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से ठीक होने वाले कई मरीजों में जानलेवा फंगल इन्फेक्शन माइक्रोमाइसिस की शिकायत दर्ज की है। कोविड-19 की वजह से उग्र हुई ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नाम से कुख्यात इस बीमारी की वजह से पिछले साल कई मरीजों की आँख की रोशनी जाती रही थी। सर गंगाराम अस्पताल के नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मुंजाल के मुताबिक अस्पताल में माइक्रोमाइसिस से पीड़ित 6 मरीजों को भर्ती किया गया। उनका कहना है, हमें लग रहा है कि ये खतरनाक फंगल इन्फेक्शन कोविड-19 की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल इस घातक संक्रमण की वजह से कई मरीजों को अपनी आँख की रोशनी, नाक और जबड़े की हड्डी गंवानी पड़ी थी। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूक्रोमाइसाइट्स नाम के फंगल यानी कि मोल्ड या फिर फंगल के समूह की वजह से होता है। ये फंगस वातावरण में प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। ये इंसानों पर तभी हमला करता है जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है। हवा में मौजूद ये फंगल स्पोर्स यानी फफूंद बीजाणु सांस के जरिए हमारे फेफड़ों और साइनस में पहुंचकर उन पर असर डालते हैं। ये फंगस शरीर में लगे घाव या किसी खुली चोट के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। CDC ने पिछले साल जानकारी दी थी कि आमतौर पर ये फंजाई ज्यादातर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर किसी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति की सांस के जरिए म्यूक्रोमाइसिस का जो बीजाणु है वो फेफड़ों और साइनस में संक्रमण पैदा कर सकता है और ये यहाँ से शरीर के दूसरों अंगों में भी फैल सकता है। CDC ने ये भी स्पष्ट किया था कि ये एक संक्रमण नहीं होता है। इसका मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान या जानवर से इंसान में नहीं फैलता है। CDC का कहना है कि जल्द ही पहचान कर इलाज शुरू करना और सही एंटीफंगल दवाओं के जरिए मरीजों का उपचार किया जाना इसमें बेहद अहम होता है। सर गंगाराम अस्पताल के ENT विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप के मुताबिक कोविड-19 के मरीज जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उन्हें ब्लैक फंगल बीमारी से ज्यादा खतरा होता है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दी जाने वाली स्टेरॉयड और कई मामलों में कोविड-19 के मरीजों को डायबिटीज सहित दूसरी बीमारियों का होना ब्लैक फंगस के मामलों के दोबारा बढ़ने की एक वजह हो सकता है। इससे होने वाली मृत्यु दर 50% से ज्यादा नहीं होती है और अगर शुरुआत में ही लक्षण की जानकारी मिल जाए तो इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। अस्पताल के विभाग के जो कंसल्टेंट हैं उनका ये कहना है कि पिछले साल बताया गया था शुरुआती लक्षण जैसे नाक में अड़चन लगना, आंखों या गालों में सूजन आना और नाक के अंदर सूखी काली पपड़ी जमने जैसी बातों का पता लगने पर तुरंत मरीज की बायोप्सी की जानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे एंटीफंगल दवाएं देना शुरू कर देना चाहिए। इस साल मुंबई की एक बायोफार्मास्यूटिकल फर्म ने औषधि नियामक प्रशासन से म्यूक्रोमाइसिस के उपचार के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली एंटीफंगल दवा के इस्तेमाल की अनुमति ली है। पिछले साल गुजरात के अहमदाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इस संक्रमण की जानकारी मिली थी। अहमदाबाद में म्यूक्रोमाइसिस के जो 5 मरीज मिले थे वो सभी या तो कोविड-19 के मरीज थे या उससे ठीक हो चुके थे। खबरों के अनुसार इन 5 मरीजों में से 2 ने अपनी जान गंवा दी थी और 2 को अपनी आँख से हाथ धोना पड़ा था।